So the classification that we discussed earlier, it was just a general overview of all the bases and all the classifications, yeah? So now we're going to go into detail of classification on basis of their structure. Iski first category hai saturated fatty acids, theek hai? So saturated are where there are no double bonds, only carbon-carbon single bonds are present. Iska formula hota hai CnH2nO2. And 60 to 70% saturated fatty acids are present in animals and plants. सही है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम ये वाले होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मैक्सिमम होते हैं अबंडेंस में, ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है. फिर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, दिस इज़ नंबर वन, दिस इज़ नंबर टू. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो उनका होता है CnH2n-1O2, ठीक है. तो अनसैचुरेटेड में ये होगा कि देयर विल बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स. देन द थर्ड इज़ ब्रांच्ड. ब्रांच में इफ़ यू लुक एट सम एग्जाम्पल्स, तो देर आर टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग एज वेल. सही है, एक को कहते हैं आइसो एंड एक को कहते हैं एंटीसो. उसमें होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हम इसको ड्रॉ करें, COOH से स्टार्ट करते हैं और इस तरफ को, फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉ फोर कार्बन एटम्स, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. सही है, और मेरे पास जो टर्मिनल है इसके साथ वाले कार्बन पे ब्रांचिंग हुई हुई है, यानी इस तरह से टर्मिनल ब्रांचिंग कहलाएगी ना. तो जो टर्मिनल ब्रांचिंग है एट द मिथाइलीन एंड पे जो हो रही है उसको बोलेंगे आइसो ब्रांचिंग. ठीक है, इसका नाम है आइसो ब्यूटायरिक एसिड, तो आइसो लग गया ना, ब्यूटायरिक एसिड. ठीक हो गया, आइसोब्यूटायरिक एसिड इज एक्चुअली इन विच देर आर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम, 1, 2, 3, 4, 5. देर आर ओनली, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर हमें इसमें ये शो करना है कि आइसो है ये. अनदर एग्जाम्पल इज इफ आई ड्रॉ 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम्स फॉर एग्जाम्पल, और मैं कह रही हूँ कि कार्बन नंबर थ्री पे कोई आर चेन लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं एंटीसो. ठीक है, एंटीसो ब्रांचिंग. सही है, और इस वाले का नाम नहीं दिया हुआ, मगर इसको एंटीसो कहते हैं जिसमें कार्बन नंबर थ्री पे ब्रांचिंग हो रही है. फिर एक और एग्जांपल है हाइड्रोक्सी अल्फा कीटो, फोर्थ क्लासेस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप. ठीक है, और उसमें होगा क्या कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है COOH, उसके साथ वाले कार्बन यानी अल्फा कार्बन पे, जिसके साथ वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर OH ग्रुप लगाओ और बाकी कुछ भी आर चेन हो सकती है. सो दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप. सो वी आर डन विद थ्री क्लासेस. अनदर क्लास इज द साइक्लिक फैटी एसिड्स. द फिफ्थ क्लास इज साइक्लिक फैटी एसिड्स. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक इज चोलमोग्रिक एसिड. Let me show you the image of this acid. It is actually cyclic. So if you see here, it's cyclic with a chain protruding outwards like this. And there is a carboxylic group here. COOH yahan pe hai na. So this is cholmogric acid. C18H32O2. Right? Another class is eicosanoids. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इकोसिनोइड्स होते हैं जिनमें 20 कार्बन होते हैं, कार्बन 20 से बोलते हैं, 20 कार्बन एटम्स होते हैं, एंड इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एरेकिडोनिक एसिड. अब ये क्या होता है, आई विल शो यू कि ये बनता किस तरह से है. इफ़ यू लुक हेयर दिस इज़ एरेकिडोनिक एसिड. इसमें हो क्या रहा है कि ये देखो, तीन है ना, ये फॉस्फोलिपिड है. ठीक है, फॉस्फोलिपिड में ये तीन कार्बन है, दो में चेन्स लगी हुई हैं और एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड है. अब जो फॉस्फोलिपिड के अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है ना, तो ये एरेकिडोनिक एसिड निकल आता है. ठीक है, एंड इसमें 20 कार्बन एटम्स होंगे और पॉली अनसैचुरेटेड होगा, यानी बहुत सारे कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे. सही है, ये एरेकिडोनिक एसिड निकलता है और इससे डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें इकोसिनोइड्स बोलते हैं. अब इकोसिनोइड्स की ये बात है कि दे आर नॉट हार्मोन्स, बट दे आर हार्मोन लाइक. हार्मोन्स जैसे होते हैं, हार्मोन्स जैसा एक्शन होता है, लेकिन हार्मोन्स नहीं होते. क्योंकि हार्मोन्स होते क्या हैं, हार्मोन्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज्ड
वो कहीं से रिलीज होते हैं किसी ऑर्गन से और वो टारगेट पे जाते हैं, ब्लड के थ्रू टारगेट तक पहुंचते हैं और फिर वो टारगेट पे एक्ट करते हैं, सही है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये क्या करते हैं कि ये जहाँ से रिलीज़ होते हैं वो उसी जगह पे एक्ट करते हैं, वो ब्लड में नहीं जाते, वो उसी जगह पे एक्ट करते हैं, तो वो हार्मोन्स तो नहीं हुए, ठीक है। और हमने इनके लिए वर्ड यूज़ किया कि हार्मोन्स होते हैं पैराक्राइन, यानी कि पैराक्राइन, और ये होते हैं ऑटोक्राइन, यानी जहाँ से रिलीज़ हुए वहीं पे यूज़ हो रहे हैं, और पैराक्राइन यानी वहाँ यूज़ नहीं हो रहे जहाँ से रिलीज़ हुए हैं, कहीं और जाके यूज़ हो रहे हैं।